हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज हम थर्ड ईयर की क्लास में आपसे बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेटा चिलेट इफेक्ट। यहाँ तक कि पिछली क्लास में जब मैंने छोड़ा था आपको, हेडिंग पढ़ाई थी वहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किन किन कारणों पर डिपेंड करती है। उन कारण में भी एक कारण था चिलेट इफेक्ट, एक कारण था। लेकिन आज की इस हेडिंग में हम अलग से चिलेट इफेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चिलेट इफेक्ट क्या है? पहली बात तो कि वर्ड जो है चिलेट, ये बेटा चीला वर्ड से आया हुआ है, और चीला का मतलब होता है बिच्छू की डंग। जैसे बिच्छू की डंग किसी चीज को दोनों तरफ से पकड़ती है, ठीक उसी प्रकार से चिलेट इफेक्ट में भी होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है चीला। और चीला से आया है ये चिलेट इफेक्ट आया हुआ है। कहते क्या है, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड आर सराउंडेड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। ठीक बेटा, जब सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ पॉलीडेंटेड लिगेंड लगा होता है तो चिलेट कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। चिलेट कंपाउंड आर फॉर्म, चिलेट कंपाउंड बेटा बन जाते हैं। इन चिलेट कंपाउंड को बनाने के लिए मोनोडेंटेड लिगेंड की जगह पर आपको पॉलीडेंटेड लिगेंड लगाने पड़ते हैं। और जब बेटा पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात आती है, तो यहां पर हम बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ईटीसी टाइप के लिगेंड हम लोग लगाते हैं। तो यहां पर पॉलीडेंटेड में आपको डाइडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगेंड लगाना है आपको है, और यहां पर आपका क्या बन जाता है बेटा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक एग्जांपल बात करते हैं चिलेट की। एक तरफ हम बात कर रहे हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, एक बोलते हैं नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हमने किया एनआई का रिएक्शन 6NH3 के साथ लगा दिया है, और लगाने के बाद यहां बना लिया बेटा एनआई NH3 का होल ऑफ 6 2+, और यहां पर बेटा एनआई क्या है 2+ है। यहां पर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आती है, लॉग बीटा की वैल्यू आती है, वो लॉग बीटा की वैल्यू बेटा 9.81 है, जबकि NH3 जो है ये एक बेटा वो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है ना, एनआई 2+ एक सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, एक आयन है, और 6NH3 ले रखे हैं। NH3 क्या एक प्रकार का है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड लगा है। तो जब मोनोडेंटेट लिगेंड की रिएक्शन निकल से करा रहे हैं तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। चूंकि मोनोडेंटेट लिगेंड लगाया है तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग है नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक दूसरा ले रहे हैं, यहां पर बेटा Ni2+ का रिएक्शन 3En के साथ करा रहे हैं, और जब 3En के साथ करा रहे हैं तो ये हो जाता है 3Ni का होल थ्राइस 2+। तो एक बेटा ये है, एक बेटा वो है, और यहां पर जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है 18.3। क्लियर? तो एक में आ रही थी मोनोडेंटेड लिगेंड लिया था, और एक में ईएन लगा है। ईएन आपका क्या होता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ईएन क्या होता है बेटा, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। आइए सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो एनआई बेटा ये है, ये चीज 6NH3 है,
तो एक NH3 ये लगाया, एक NH3 बेटा ये लगाया, एक NH3 बेटा ये लगाया, एक NH3 ये लगाया, एक NH3 ये लगाया और एक बेटा NH3 ये लगाया। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस का 2 है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे रहे हैं, क्लियर। और यहां पर क्या है, Ni2+ सेंट्रल पर है, 6 लिगेंड लगे हैं, 3 लिगेंड लगे हैं। चूंकि EN क्या होता है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसलिए एक EN 2 डेंटिसिटी शो करता है, इसलिए 3 लिगेंड 6 डेंटिसिटी शो करेंगे और 6 डेंटिसिटी के कारण यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 हो जाएगी। तो EN के लिए N ये हो गया, N ये हो गया, एक EN ये, एक N ये हुआ, एक N ये, एक EN ये, एक N ये है, एक N ये है, एक EN बेटा ये। और अभी भी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस का 2 ही है, क्लियर। तो बेटा दोनों चीजें क्लियर हो गई, एक ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपको और एक चीज ये भी क्लियर हो गई। तो यहां पर देख रहे हैं कि NH3 जो है वो निकल के चारों तरफ तो लगा है, NH3 EN के चारों तरफ तो लगा है, लेकिन कोई छिले बिच्छू की डंग की तरह ऐसे सराउंड नहीं है। जबकि यहां पर देख रहे हो लिगेंड ये बेटा लगा है और ये लगने के कारण क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे आकर के ऐसे निकल को कब्जा किया हुआ है। यहां पर भी देखिए ऐसे कब्जा किया हुआ है, यहां पर भी देखिए ऐसे कब्जा किया हुआ है। तो ये बेटा जो है वो चिलेट कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये जो है वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो एक बेटा चिलेट कॉम्प्लेक्स और दूसरा बेटा नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स, दोनों हमने यहां पर आपको ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बेटा ये कॉम्प्लेक्स था और एक बेटा ये कॉम्प्लेक्स था, दोनों मैंने ड्रॉ कर लिया। तो चिलेट इफेक्ट तो क्या हो गया? अब चिलेट इफेक्ट में कहा क्या गया है कि हमने अभी चिलेट बताया है, इफेक्ट तो अभी बताया ही नहीं हमने, अभी हमने केवल चिलेट बताया कि चिलेट क्या होता है कि जब पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर सराउंडेड रहते हैं तो उसको क्या बनते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेड लिगेंड लगते हैं, पॉलीडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो एक हमने बनाया मोनोडेंटेड लिगेंड से और एक बनाया बेटा बाइडेंटेड से। तो बाइडेंटेड वाला क्या हो गया, चिलेट हो गया, और मोनोडेंटेड वाला क्या हो गया, नॉन चिलेट हो गया। अब सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि कहते हैं कि नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की तुलना में चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल है और ये बेटा लेस स्टेबल है। ठीक है, ये मोर स्टेबल है और ये कैसा है, लेस स्टेबल। सबसे बड़ा खेल बेटा यही है कि चिलेट कॉम्प्लेक्स जितने भी आते हैं वो चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसका कारण क्या, हम रिलेट कर रहे हैं इस वैल्यू के आधार पर, लॉग बीटा। बीटा की वैल्यू को पिछले बार हमने बताया था, ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट होता है। देख रहे यहां पर भी 6 NH3 के साथ में एक बार में ही क्रिया कराई है और यहां पर भी 3 EN के साथ में एक ही बार क्रिया कराई है। तो जब नंबर ऑफ लिगेंड वन टाइम में ही आ जाते हैं तो वहां पर ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर ये ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू है और यहां पर ये ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। जब ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाती है, सुनना जरा, ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू यानी कि लॉग बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाता है। यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा और ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 9.81 है जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, 18.3 है। तो लॉग बीटा की वैल्यू के बढ़ने के कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के बढ़ने के कारण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्टेबल होने के कारण को ही इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो बोला क्या बेटा, एस द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा, और लॉग बीटा क्या बोला जा रहा है, ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट बोला जा रहा है।
एज द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा यानी कि ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस. स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस. यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अभी हमने केवल दिखाया था मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट के. यहां पर एक कॉम्प्लेक्स हम यहां पर ये ले लें एन आई एन एस थ्री का होल ऑफ सिक्स टू प्लस फाइव. एक ले लें एन आई ई एन का होल थ्रेस टू प्लस और एक ले लें एन आई ट्राई ई एन का होल ट्वाइस टू प्लस. यहां पर बेटा ईएन जो है वो इथाइलिन डायमीन है, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, जबकि ट्राई इन जो है वो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन होता है, एक टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है. तो यहां पर बेटा टेट्राडेंटेड लिगेंड लगा है, यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड लगा है और यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड लगा है. तो ये बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है और ये आपका टेट्राडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना. तो यहां पर लॉग बीटा की वैल्यू बेटा 9.31 लॉग बीटा की वैल्यू है, यहां पर 18.3 है और यहां पर 20.4 है. तो ये जैसे जैसे बेटा वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेटा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. तो ये बेटा स्टेबिलिटी हो गई कि कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कितनी होती है. तो आज की क्लास में बेटा यहीं पर तक हम लोग देखते हैं कि चिलेट फिट क्या होता है और चिलेट फिट में सीधे सीधे कहा गया है कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू मोनोडेंटेड कॉम्प्लेक्सेस के लिए. आज के लिए बेटा इतना ही, आगे आने वाली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे और आगे की बात क्या होती है वो अगले टर्न पे हम आपको बताएंगे. थैंक यू.